हे दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। हे दोस्तों, एक विधवा औरत को मेकअप करना इतना महंगा पड़ा, वे कभी सोची भी नहीं थी। दोस्तों, एक ऐसी कहानी जो सत्य है। हाँ, एक कच्ची उम्र में एक लड़की की शादी हो जाती है और इस शहर में पली बढ़ी रहती है। उसकी शादी गाँव में हो जाती है, वे कभी खेत खलिहान नहीं देखती है। बस जब शहर में रहती थी तो पार्क में जाना, स्कूल जाना, घर आना, और उसके मम्मी पापा उसकी शादी गांव में कर देते हैं क्योंकि गांव के रहने वाले थे। अभी भी ऐसे ही होता है, बचपन से लोग शहर में रखते हैं बेटियों को, शादी के समय गांव में कर देते हैं। तो दोस्तों, हुआ कि किसी शादी गांव में हो जाती है, खेत खलिहान में कभी नहीं देखी होती। धान कैसे काटते हैं, धान कैसे रोपते हैं, गेहूँ कैसे बोते हैं, मक्का कैसे बोते हैं, वे कभी नहीं देखी थी, ना जानती थी। शादी हो गई दोस्तों। वे जब कुछ काम नहीं कर पाती थी तो उसकी सास अपने बेटे से शिकायत करती थी कि तेरी बीबी को कुछ नहीं आता। और उसके हस्बैंड उसे बहुत मारता था क्योंकि उसका हस्बैंड शराबी था, बहुत मारता था। दोस्तों, ऐसे ही करते करते साल बीतते गए, साल बीतते गए, ज़िंदगी बीत रही थी और वे किसी से कह नहीं रही थी। क्यों नहीं कह रही थी? उसके पिताजी काफ़ी बूढ़े थे, उसका कोई भाई नहीं था, दो बहन थी। तो दो बहनें थी जो अपने अपने जीवन में मगन थी क्योंकि उन लोग भी ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, कुछ कर नहीं सकती थी। उन लोग के हस्बैंड भी किसान थे। बेचारी पीटती गई, दो बच्चे हो गए। पहला बेटा हुआ, जब उसका बेटा हुआ ना तो उसकी सास उस बच्चे को अपने पास रखती थी, अपने पास सुलाती थी, नहलाती थी, सारा काम करती थी। सिर्फ दूध पीने के लिए बच्चे को उसकी माँ के पास देती थी। दूध जैसे ही पिता बच्चा अपने पास ले लेती ताकि वे घर का सारा काम कर सके। उसके हस्बैंड को रत्ती भर भी दया नहीं आता था। दोस्तों, ऐसे ही करते करते कई साल बीत गए और एक और बेटी का जन्म हुआ। दो बच्चे, दोस्तों उसके दो बच्चे हो गए। उसका हस्बैंड शराबी था, शराब पीते पीते उसे हो गई कैंसर, उसकी हो गई डेथ। अब बेचारी क्या करे, जब हस्बैंड था तब तो इतनी पीटती थी, अब तो सास हैं, देवर हैं, ससुर हैं, देवरानियाँ आ चुकी थी, लेकिन वे एक जेठानी नहीं कहलाती थी, घर की नौकरानी कहलाती थी। घर में नौकरों की तरह सारा काम किया करती थी। वे पढ़ी लिखी थी, वे थक चुकी थी इन लोगों से, घर से बाहर निकली, लोगों से शिकायत किया, कुछ कुछ कहा कि ऐसी ऐसी बातें हमारे साथ हो रही हैं, मैं क्या करूं? क्योंकि गांव में कोई हेड रहती थी जो किसी ऑफिस में काम करती थी। उस महिला को दया आया और उसने उस विधवा औरत को अपने यहाँ ऑफिस में काम दिला दिया, फाइल इधर से उधर करने के लिए। वे अपने घर से ऑटो से जाती सुबह 9 बजे, अपने घर में आती शाम को 6 बजे। और दोस्तों, वे अलग हो गई थी अपनी फैमिली से, दो बच्चों के साथ। बच्चे सरकारी स्कूल में जाते, खेलते कूदते घर में, और वे अपनी ऑफिस चली जाती। ऐसे करते करते दोस्तों 1.5 से 2 साल बीत गया। उसकी सैलरी 6 से 7 हज़ार रुपये थी, वृद्धा पेंशन बना हुआ था, राशन कार्ड बना हुआ था, जीवन चल रहा था। दोस्तों, थी तो वे इंसान ही ना। जब अपने ऑफिस में देखती कि लड़कियां मेकअप करके आ रही हैं, महिलाएं मेकअप करके आ रही, तो उसका भी दिल किया कि मैं भी क्यों ना मेकअप करूँ। दोस्तों, वे लिपस्टिक लगाने लगी। शायद यहीं से उसका किस्मत ख़राब होना था। क्या अपराध है मेकअप करना? एक विधवा को अधिकार नहीं है मेकअप करना? दोस्तों, जब एक जेंट्स की वाइफ मरती है तो 6 महीने भी नहीं होते हैं और वे दूसरी शादी कर लेता है, और एक विधवा औरत की ज़िंदगी ऐसे ही कट जाती है, कोई ध्यान भी नहीं देता है। जब वे विधवा हुई थी, 2-3 साल बाद उसने अपने चचेरे मचेरे बहनोई लोग से कहा भी कि क्या मैं अपनी ज़िंदगी ऐसे ही अकेले बिताऊँगी। हमारा देश, पुरुष प्रधान देश, उन लोगों ने कहा, दो बच्चे लेकर कहाँ जाओगी और अपने जीवन ऐसे ही बिताओ। दोस्तों, जब वे ऑफिस जाने लगी तो उसका भी मन किया, लोगों को देख करके वे हल्का हल्का अपने लिप पे लिपस्टिक लगाने लगी, माथे पे बिंदिया सजाने लगी। और क्या, कुछ ही दिन हुआ था, उसकी सास को रास नहीं आया, उसके देवर को बर्दाश्त नहीं हुआ, और उसके देवर ने वहाँ की ऑफिस की जो और भी हेड होंगे, चेंज हो गए होंगे, उन्होंने कुछ पैसे दे करके अपनी भाभी की जगह पे अपना जॉब लगवा लिया, भाभी को वहाँ से हटवा दिया। बेचारी भाभी घर में आके फिर से रहने लगी, बीमार रहती थी एक्चुअली। 15 दिन तक वे ऑफिस नहीं गई थी तो ऑफिस वाले को
हो गया कि आप नहीं आई 15 दिन तक, हम लोग का काम पेंडिंग में रह जाता है, इसलिए आपको मैं नहीं रख सकता। हम लोग को ऐसा बहाना मिल गया और उन लोग उस लेडी को वहाँ से निकालती हैं। दोस्तों वे घर में रहने लगी, घर में इतनी प्रताड़ित हुई, इतनी प्रताड़ित हुई, देवर प्रताड़ित कर रहा है, ससुर मार रहा है, सास मार रही है। अब कहे तो कहाँ कहे, किससे कहे, पागल जैसी हो गई दोस्तों, पागलों की तरह हो गई। कभी किसी मंदिर में जाके बैठ जाती तो कभी उसकी ज़िंदगी नरक हो गई। बस उसने सुसाइड नहीं किया दोस्तों, अपने आप हिम्मत जुटाई और अपने बच्चों को लेकर के अपने मायके चली आई। जानते हैं ना दोस्तों, जिसका जीवन में कोई नहीं होता, अगर हस्बैंड नहीं होता और भी लायक हस्बैंड नहीं होता तो सब कोई नहीं होता। मायके में रहने लगी, जब उसकी बहनें आती मायके में तो उसकी तरह मेड का घर का सारा काम करवाती, अपने से एक गिलास पानी भी नहीं लेती। वे महिला ना आज घर की है ना घाट की है। मैं आप लोग से जानना चाहती हूँ, क्या एक विधवा महिला को मेकअप करने का अधिकार नहीं है? ये औरतें ही औरत ही औरत की दुश्मन कब तक बनती रहेंगी? हमारा समाज पढ़ा लिखा हो करके भी औरतों के मामले में इतना पीछे क्यों है? कितना कठिन होता है ऐसी महिलाओं का जीवन जीना। मैं उन महिलाओं से आग्रह करूंगी, निवेदन करूंगी कि अगर आपके आसपास में अगर आपके रिश्तेदार में कोई है तो उसे घर बसाइए, क्योंकि बच्चे बड़े हो जाएंगे, उसके बेटी की शादी हो जाएगी, बेटा की शादी हो जाएगी, बेटा अपनी वाइफ के साथ रम जाएगा, बेटी अपनी ससुराल चली जाएगी और जीवन भर में महिला अकेली रह जाएगी। यदि आप ना किसी के साथ अच्छा नहीं कर सकते हो ना, तो आप किसी के साथ बुरा भी मत करो। किसने अधिकार दिया बुरा करने का, अधिकार किसने दिया? दोस्तों आज के समय में लोगों की ऐसी सोच है, उसे जॉब से निकाल दिया गया, उसे ससुराल से निकाल दिया गया, आज बेचारी मायके में पड़ी है। बहुत दुख होता है ऐसी घटनाओं को सुन करके। आप क्या कहते हैं इस मामले में, आपका क्या विचार है, प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। आपने मुझे अपना कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। बाय।